देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रयागराज में कुंभ मेला अब तक कई मायनों में खास रहा, चाहे वो शाही स्नान के दौरान ताबड़तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या हो या फिर मेले का क्षेत्रफल। स्वच्छता मिशन के तहत बनाए गए 1.22 लाख शौचालय हो या 6,000 से अधिक कलाकारों का प्रयागराज को कुंभ के लिए सजा देने का सराहनीय काम। लेकिन अब इन सब के बाद एक और नया रिकॉर्ड कुंभ के साथ जुड़ेगा। जी हां, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 510 बसों के सबसे लंबे बेड़े को एक ही रूट पर खड़ा किया। 390 बसों के अबू धाबी के रिकॉर्ड को टक्कर देते हुए 510 बसों की सबसे लंबी परेड का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, कुंभ के ऑफिशियल पेज से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें 510 बसों का काफिला एक साथ निकलता दिख रहा है। शहर के बाहर बने पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को लाने के लिए पहली बार बड़ी संख्या में NH-19 पर शटल बसें लगाई गई थी। इनकी संख्या 100, 200, 300 नहीं बल्कि 510 थी। इन पर कुंभ का लोगो और पोस्टर लगे हुए हैं। बता दें कि योगी सरकार ने कुंभ मेले के दौरान पर्यटकों को आने जाने के लिए सुविधा देने के लिए देश की प्रमुख आउट स्टेशन टैक्सी कंपनी गोजो कैब्स के साथ करार किया है। भारत के 1,000 से अधिक शहरों में सक्रिय गोजो कैब्स प्रयागराज में लोगों को कुंभ तक पहुंचा रही है। साथ ही कुंभ मेले की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यहां 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 6,000 होमगार्ड, 40 थाने, 58 चौकियां, 40 दमकल स्टेशन, केंद्रीय बलों की 80 कंपनियां और PAC की 20 कंपनियां तैनात की गई है। बम निरोधक दस्ता और खुफिया एजेंसियों को भी तैनात किया गया है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।